बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है ज़ीनर डायोड। आज हम आपको ज़ीनर डायोड के बारे में काफ़ी हद तक थ्योरेटिकल और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। ज़ीनर डायोड जो है एक आम डायोड की तरह होती है, पीएन जंक्शन डायोड होती है जिसके दो टर्मिनल होते हैं। और इसकी ख़ास बात जो है वो एक तो ये है कि हैवीली डॉप्ड होती है, यानी कि डॉपिंग इसकी ज़्यादा की होती है। और इसके अलावा जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि इसको रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं। जितने भी बाकी डायोड्स हैं उनको हम अमूमन फॉरवर्ड बायस में यूज़ करते हैं और इसको हम रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं। इसको इस तरीके से बनाया गया है कि इसके जो रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं। और इस रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स को इस्तेमाल करने के लिए जो प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है, वर्किंग प्रिंसिपल, वो होता है ज़ीनर इफ़ेक्ट। ज़ीनर इफ़ेक्ट के बारे में हम आपको बताएंगे अगली स्लाइड के अंदर। ज़ीनर जो लफ्ज़ है, जो ज़ीनर डायोड में भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है और ज़ीनर इफ़ेक्ट के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, ये जो ज़ीनर है ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ज़ीनर डायोड को इन्वेंट किया था। और इस साइंसदान का पूरा नाम है मिस्टर क्लेरेंस मेलविन ज़ीनर। मिस्टर ज़ीनर के नाम से ही इसके वर्किंग प्रिंसिपल ज़ीनर इफ़ेक्ट दे दिया गया है और फिर ज़ीनर डायोड दे दिया गया है। तो ज़ीनर डायोड जो है वो ज़्यादातर वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर यूज़ होती है। इसके अलावा ये एज आ वोल्टेज रेफरेंस के तौर पर, यानी कि एज आ रेफरेंस एलिमेंट, या सर्ज सप्रेशर और स्विचिंग के तौर पर और वोल्टेज क्लिपर के तौर पर भी यूज़ होती है। इसके जो सिंबल्स हैं वो ये हैं। ये ऊपर वाला सिंबल आप देख रहे हैं, अब ये देखेंगे तो यहाँ पर ये एक जेड की तरह का बनाया हुआ है इसके कैथोड के ऊपर। कैथोड का बाकी डायोड्स के अंदर तो ये ऐसे करके स्ट्रेट एक लाइन होती है, तो इसके अंदर ये दोनों तरफ मुड़ी हुई है। और कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो है वो इसका सिंबल ऐसे होता है, यानी कि हाफ जेड कह लें आप इसको। ये जो इसकी जो नीचे वाली तस्वीर है ये इसकी फिज़िकल है, फिज़िकल इसकी पिक्चर लेके बनाई गई है। इसका नंबर 914 है। तो आम तौर पर जो ज़ीनर डायोड होती हैं वो ब्लैक कलर की भी होती हैं और ज़्यादातर इस कलर की होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा ज़ीनर इफ़ेक्ट के बारे में। ज़ीनर इफ़ेक्ट जो है वो ऐसा इफ़ेक्ट है जो कि पीएन जंक्शन डायोड्स के अंदर होता है, स्पेशली ज़ीनर डायोड की बात हो रही है। तो इसको जब हम पीएन जंक्शन को हम जब रिवर्स बायस करते हैं तो उसमें एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है और रिवर्स बायस पे डिपेंड करता है बायसिंग वोल्टेज के ऊपर। बायसिंग वोल्टेज आप जूँ जूँ रिवर्स बढ़ाते जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की टनलिंग होगी। और टनलिंग क्या है कि टनलिंग ये होती है कि हमारे जो पीएन मटेरियल होते हैं, पी और एन, इसके रिवर्स बायस करने के ऊपर तो इसको जो वैलेंस शेल होते हैं उसके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड बने होते हैं उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ब्रेक हो गए, बॉन्ड ब्रेक हो गए, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। निकलने के बाद वो कंडक्शन बैंड में, यानी कि मूव करना शुरू हो जाते हैं उस सेमीकंडक्टर के अंदर, जिससे एक रिवर्स करंट पैदा होता है। और ये रिवर्स करंट डिपेंड करता है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स में कितना दिया है। तो जितना आप उसको देते जाएंगे वो रिवर्स करंट जो है वो बढ़ता जाएगा और एक टाइम आएगा कि बहुत ज़्यादा करंट बढ़ेगा। इसकी तफसील हम आपको अगली स्लाइड में बताते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं ज़ीनर डायोड का वोल्टेज करंट, यानी कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो ये देखने में तो आपको बहुत चीज़ें नज़र आ रही होंगी लिखी हुई, लेकिन इनसे आप परेशान नहीं होना, हम एक एक चीज़ करके आपको तफसील से आसानी से बता देंगे। और यही वो कर्व है, अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको ज़ीनर डायोड आराम से समझ में आ जाएगी। तो इस स्लाइड के अंदर ये देखिए, ये एक किस्म का ग्राफ बनाया गया है। एक लाइन ये है, ये हमारी करंट की लाइन है और ये लाइन जो है हमारी वोल्टेज की लाइन है। देखिए यहाँ पर फॉरवर्ड करंट लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा रिवर्स करंट लिखा हुआ है। तो ये जो ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर दो लाइनें क्रॉस कर रही हैं, ये हमारा ज़ीरो पॉइंट है, यानी कि वोल्टेज और करंट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर हम बात करते हैं वोल्टेज की, जो कि लेफ़्ट टू राइट है, तो वोल्टेज हमारे इस तरफ जो है वो प्लस वोल्ट या पॉजिटिव वोल्ट जाएंगे, जिसको हम फॉरवर्ड वोल्टेज बोलते हैं। उसके बाद यहाँ ज़ीरो से अगर इस तरफ जाएंगे तो ये हमारे रिवर्स वोल्ट हैं, जो कि नेगेटिव में हैं, यानी कि माइनस में हैं। उसके बाद यहाँ से ऊपर जाएंगे, जो कि ये करंट की लाइन है, ऊपर नीचे ऊपर जाएंगे तो ये हमारा फॉरवर्ड करंट है, यानी कि ज़ीरो से प्लस की तरफ करंट ऊपर जा रहा है। और अगर हम यहाँ से नीचे की तरफ आएँगे तो ये करंट माइनस की तरफ जा रहा है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये एक फॉरवर्ड बायस रीजन बताया है, ये रिवर्स बायस रीजन है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस रीजन की, यानी कि ज़ीरो से हमारे वोल्टेज बढ़ेंगे और यहाँ से हमारा करंट बढ़ेगा। आम तौर पे जो पीएन जंक्शन डायोड्स होती हैं वो फॉरवर्ड बायस के अंदर काम करती हैं, तो ये जो ज़ीनर डायोड है ये भी फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल डायोड्स की तरह काम कर सकती है, लेकिन चूंकि ये ज़्यादा करंट की नहीं होती इसलिए हम अमूमन इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी बहुत स्विचिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें अब ये देखिए कि यहाँ से जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते हैं, ज़ीरो से ज़्यादा करते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज का मतलब ये है फॉरवर्ड बायसिंग, और फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब ये है कि पीएन जंक्शन डायोड होती है जो, यानी कि उसके अंदर पी टाइप का जो मटेरियल होता है उसको हम पॉजिटिव देते हैं और जो एन टाइप का है उसको हम ज़ीरो वोल्ट देते हैं या इसको नेगेटिव होता है, वो पी के मुकाबले में नेगेटिव होता है। तो जब ये वोल्टेज हम फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि उसका जो बैरियर है डिप्लेशन लेयर है वो छोटी होना शुरू हो जाएगी, और छोटी होने की वजह से आस्ता आस्ता उसमें से फॉरवर्ड करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, और एक टाइम आएगा कि वो बड़ी स्पीड से करंट बढ़ जाएगा और हमारी डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में या फॉरवर्ड मोड में कंडक्ट करना शुरू कर जाएगी, उसके अंदर से करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि ये फॉरवर्ड करंट थोड़ा सा बढ़ा है और बढ़ने के बाद यहाँ से एकदम से करंट ये बढ़ गया है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये हमारी स्विचिंग हो गई है, हमारी डायोड ऑन हो गई है, और ये ऑन जो है ये मुख्तलिफ़ पॉइंट के ऊपर होती है, मुख्तलिफ़ वोल्टेज के ऊपर होती है। तो आम तौर पर जो सिलिकॉन डायोड होती हैं वो 0.3 वोल्ट से लेके 0.7 वोल्ट तक ऑन हो जाती हैं, यानी कि जो जर्मेनियम मटेरियल की डायोड बनी होती हैं वो 0.3 वोल्ट पे ऑन हो जाती हैं, और जो सिलिकॉन हैं वो 0.7 तक ऑन हो जाती हैं, 0.6 पर 0.5 पर ऑन हो जाती हैं। अगर आपने कभी वोल्टेज चेक किए हों, या कभी आपने यूँ समझ लीजिए कि डायोड को मीटर के ज़रिए डायोड की सिलेक्शन पर रख के जब आपने उसको चेक किया हो तो उस मीटर के ऊपर जो रीडिंग आती है वो 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 या 0.7 आती है, और उसके आगे वोल्ट ही लिखे होते हैं, ओम नहीं लिखे होते, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर डायोड्स जो हैं वो काम करती हैं, पीएन जंक्शन डायोड्स, उसके अंदर नॉर्मल डायोड भी काम करती हैं, ये सेम फार्मूला नॉर्मल डायोड्स के लिए भी हैं, और जो हमारी ज़ीनर डायोड है उसके लिए भी है ये। लेकिन ज़ीनर डायोड को हम आम तौर पर इस रीजन में फॉरवर्ड बायसिंग इस्तेमाल नहीं करते, जो हमारी ज़ीनर डायोड है उसको हम रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं, यानी कि उसको रिवर्स वोल्टेज देते हैं। रिवर्स वोल्टेज जैसे मैं आपको बताया है कि रिवर्स वोल्टेज का मतलब ये है कि पी टाइप का जो उसका मटेरियल है यानी कि एनोड, उसके ऊपर हम ज़ीरो वोल्ट देते हैं या नेगेटिव होता है वो टर्मिनल, बामुकाबला कैथोड के, कैथोड जो है एन टाइप का मटेरियल होता है और उसके ऊपर हम पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं। तो जब हम उसको रिवर्स बायस देते हैं तो उसके अंदर जो उसका बैरियर है वो तो वाइड होना शुरू हो ही जाता है, लेकिन उस बैरियर के अंदर से एक रिवर्स करंट शुरू हो जाता है जो कि माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है। इस करंट को हम कहते हैं लीकेज करंट। तो जब हम ये रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, रिवर्स बायसिंग बढ़ती जाती है, तो रिवर्स करंट जो है जिसको हम लीकेज करंट कहते हैं वो आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उसका हर ज़ीनर डायोड के एक ज़ीनर वोल्टेज होते हैं, उस ज़ीनर वोल्टेज के ऊपर आकर ज़ीनर ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी कि वहाँ पर आके रिवर्स करंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ देखिए कि रिवर्स करंट जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो थोड़ा थोड़ा जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद बहुत ज़्यादा करंट बढ़ गया है, यानी कि हमारा ये रिवर्स करंट है इस तरफ, ठीक है। तो ये हमारा करंट जो है रिवर्स करंट एकदम से बढ़ जाता है, तो जहाँ से ये करंट बढ़ता है इसको हम कहते हैं ज़ीनर नी, नी का मतलब है घुटना, ये ज़ीनर नी कहलाता है जब एकदम से करंट बढ़ता है। और ज़ीनर ब्रेकडाउन जो है वो थोड़े से कम वोल्ट तक, 8 वोल्ट तक होता है, और अगर 8 कहलाता है 8 वोल्ट तक अगर ब्रेकडाउन होता है तो उसको ज़ीनर ब्रेकडाउन कहते हैं, और 8 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज का अगर ब्रेकडाउन हो, अगर ये ज़ीनर डायोड ज़्यादा वोल्टेज की है, 8 वोल्ट से ब्रेकडाउन से ऊपर की है, तो फिर हम उस ब्रेकडाउन को एवलांच रीजन कहते हैं कि जहाँ से वो करंट हमारा स्पीड से बढ़ता है। उसके बाद ये देखिए कि इसको IZ लिखा हुआ है, IZ का मतलब है ज़ीनर करंट मिनिमम, यानी कि यहाँ से तो ये हमारा जो है वो शुरू हुआ है लीकेज करंट, और लीकेज करंट की वजह से यहाँ से वो करंट ज़्यादा हो गया है,
रिवर्स करंट, तो यहाँ से हमारा जो है वो ज़ीनर ब्रेकडाउन हुआ है, और ज़ीनर ब्रेकडाउन हमारा चूंकि यहाँ से शुरू हुआ है इस पॉइंट से, तो इसलिए हम इसको कहेंगे ज़ीनर करंट मिनिमम, यानी कि यहाँ से ज़ीनर करंट शुरू हुआ है। उसके बाद जो हर जो डायोड होती है, ज़ीनर डायोड होती है, तो हर ज़ीनर डायोड के एक वोल्टेज होते हैं। जब आप उसको कहीं से ऑर्डर करते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि मुझे ज़ीनर डायोड कितने वोल्ट की चाहिए। तो अगर आपको 6 वोल्ट की चाहिए, 12 वोल्ट की चाहिए, तो वो आपको जो है डायोड मिलती है, और वो जो 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है ज़ीनर वोल्टेज कहलाते हैं वो, ये हम उसको कहते हैं रेगुलेशन वोल्टेज भी कहते हैं, वोल्ट ज़ीनर, ज़ीनर वोल्ट। तो अगर वो 9 वोल्ट की है तो वो यहाँ पर रिवर्स जो है वो 9 वोल्ट होगा माइनस 9 वोल्ट, तो यहाँ ब्रेकडाउन हो जाएगा। अगर 15 वोल्ट की है तो ये वोल्टेज हमारे बढ़ते जाएंगे रिवर्स वोल्ट, और जो ही 15 वोल्ट होंगे माइनस में, माइनस 15 वोल्ट, हमारा ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो जब ये करंट बढ़ेगा तो हर डायोड की एक कैपेसिटी होती है, यानी कि ज़ीनर डायोड जो है क्वार्टर वाट की हो सकती है, ज़ीनर डायोड जो है वो हाफ वाट की हो सकती है, ज़ीनर डायोड जो है 1 वाट की हो सकती है, और ज़ीनर डायोड जो है वो 2 वाट की हो सकती है, 5 वाट की हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि ज़ीनर डायोड जो है वो कितने वाट की है, और वाट जो है ये ज़ीनर डायोड की पावर कहलाती है, और पावर क्या होती है, पी इज़ इक्वल टू वी इंटू आई। तो ज़ीनर का जो पावर है वो इस फार्मूले के तहत हम उसको देख सकते हैं, यानी कि पी मैक्स, यानी कि पावर ज़ीनर डायोड की, आई जेड मैक्स इंटू वी जेड। वी जेड तो वही है ज़ीनर वोल्टेज, कितने वोल्ट का वो ज़ीनर है, और आई जेड जो है वो ये वाला पॉइंट है, यानी कि ये जो करंट जो है आप इसके ऊपर वोल्टेज अगर बढ़ाते जाएंगे, फ़र्ज़ करें कि ये जो है ये 2 वोल्ट लिखा हुआ है, ये गलती से हमने 2 वोल्ट लिख दिया है, ये इसको हमने 12 वोल्ट लिखा था, तो इसको आप 12 वोल्ट कंसीडर करें। फ़र्ज़ करें कि एक डायोड जो है आपने ये, चले 9 वोल्ट की ले लेते हैं, 2 वोल्ट की अमूमन होती नहीं है डायोड, 3 वोल्ट तक मैक्सिमम आती है, उससे नीचे जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती। 9 वोल्ट का ज़ीनर फ़र्ज़ करें कि 9 वोल्ट का ज़ीनर डायोड है, उसने 9 वोल्ट के ऊपर यहाँ पर ब्रेकडाउन किया, तो ये जो वी जेड है ये 9 वोल्ट है, और करंट उसका यहाँ पर होगा, और करंट उसके पावर की वजह से उसकी डेटा शीट के अंदर लिखी ही होती है। तो आपने इतने ज़्यादा वोल्टेज नहीं बढ़ाने कि करंट उस डायोड का इस लाइन को क्रॉस करे, क्यों कि यहाँ तक वो करंट को हैंडल कर सकती है, वो डायोड जो है वो इस करंट तक जो है मैक्सिमम करंट गुजार सकती है रिवर्स करंट को। अगर आपने इससे ज़्यादा करंट इसको गुजारने की कोशिश की, और करंट कैसे ज़्यादा गुजरेगा वो हम आपको अगली स्लाइड में बताएंगे, कि उसमें आप वोल्टेज ये 9 से, अगर 9 वोल्ट की थी, 9 से वोल्टेज बढ़ाएंगे 10, 11, 12, 15, 20, 25, तो क्या होगा कि वो वोल्टेज तो यहाँ पर रोक लेगी डायोड, और वोल्टेज जो एक्स्ट्रा वोल्ट हैं उसको करंट की सूरत में वो यहाँ से रेगुलेट करेगी, लेकिन उसकी एक कैपेसिटी है, एक पावर है, वहाँ तक तो रेगुलेट करेगी, और वो कहाँ तक करेगी, अपने जो करंट है ज़ीनर करंट जो मैक्सिमम है वहाँ तक रेगुलेट करेगी। उससे ज़्यादा अगर आप वोल्टेज देंगे तो करंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ज़्यादा बढ़ने की वजह से हीट पैदा होगी, और हीट पैदा होने की वजह से वो डायोड जल जाएगी। तो इसलिए आपने ज़ीनर डायोड को जितने वोल्ट की है उतने वोल्ट से ऊपर देने हैं डेफिनेटली, क्योंकि आपने वोल्टेज को रेगुलेट करना है, और उससे ऊपर वोल्टेज जितने भी होंगे वो सारे इसको जो डायोड है उसको चॉप ऑफ करके और उसको करंट बढ़ाकर उसको रेगुलेट करेगी, लेकिन आई जेड मैक्सिमम तक, जो कि उसकी पावर की है, 1 वाट की है, 2 वाट की है, हाफ वाट की है, यानी कि वोल्टेज इनटू करंट। तो इस तरीके से ये हमारी जो ज़ीनर डायोड है काम करती है, यानी कि रिवर्स बायस में काम करती है, रिवर्स रीजन में काम करती है। शुरू में इसमें लीकेज करंट पैदा होता है माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, और उसके बाद जब उसका ज़ीनर की या ब्रेकडाउन टाइम आता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज आते हैं, तो वहाँ पर वोल्टेज बढ़ना डायोड के अक्रॉस ख़त्म हो जाते हैं और करंट बढ़ता है। जो वोल्टेज एक्स्ट्रा हम बढ़ाते हैं उसको करंट की सूरत में यहाँ से रेगुलेट करता है, ड्रेन करता है, और वो आई मैक्स तक कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप उसके उसको इतने वोल्टेज दें कि उसके मिडल तक रहें या 0.75 तक रहें, फुल उसको पावर पे ना लेके जाएं। और अगर आपने वोल्टेज उसके बाद बढ़ाया और मज़ीद करंट बढ़ा, तो वो डायोड आपकी ज़ाया हो जाएगी, जल जाएगी। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं इसको फिज़िकली सर्किट के अंदर के किस तरीके से ये वोल्टेज को रेगुलेट करती है।
ये देखिए, ये एक छोटी सी हमने डायग्राम बनाई है, इसके अंदर तफसील देने की कोशिश की है, जो कि बेसिक ज़ीनर रेगुलेटर के तौर पर इसकी सर्किट के अंदर क्या है कि यहाँ से हम वोल्टेज देते हैं, अप्लाइड वोल्टेज देते हैं जिसको हमने रेगुलेट करना है। उसके बाद ये ज़ीनर डायोड हमने लगाई है जो कि रिवर्स बायस में है, यानी कि अगर यहाँ पर 0 वोल्ट हैं और यहाँ पर अगर +12 वोल्ट हैं, जैसे कि हमने इस एग्ज़ाम्पल के अंदर 12 वोल्ट दिए हैं, तो ये प्लस है, ये आपका 0 वोल्ट है, ये डायोड है। और उसके ऊपर एक ये रेजिस्टर हमने लगाया हुआ है, ये रेजिस्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, यही वो रेजिस्टर है जो कि इस डायोड को जलने से बचाता है इसकी अपनी रेंज के अंदर रहते हुए। तो चलें, यहाँ से हमारे पॉजिटिव वोल्टेज आएंगे इस रेजिस्टर के थ्रू। और इस रेजिस्टर की एक ख़ास बात ये भी है कि जब इस डायोड के जो वोल्टेज हैं, जिस तरह की हमने ये ZD1 यानी कि ज़ीनर डायोड नंबर 1 जो है वो 10 वोल्ट के लिए, इसका मतलब ये है कि यहाँ से 12 वोल्ट या 12 वोल्ट से ज़्यादा आ सकते हैं, 13 आ सकते हैं, 14, 15 आ सकते हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने ये डायोड लगाई है यहाँ पर एज अ रेगुलेटर, और हमने इसके अक्रॉस से जो है वो 10 वोल्ट आउटपुट लेने हैं। जिस तरह की ये 10 वोल्ट हमने लिखा हुआ है, ज़ीनर डायोड 10 वोल्ट की है, तो हमने यहाँ पे हमें रेगुलेटेड 10 वोल्ट चाहिए। फ़र्ज़ करें हम यहाँ से एक वेरिएबल पावर लगाते हैं, तो वेरिएबल पावर लगाते हैं तो जो ही यहाँ से हम वोल्टेज बढ़ाना शुरू करते हैं, डायोड हमारी रिवर्स बायस में लगी हुई है, तो जब यहाँ पर 5-10 वोल्ट होंगे तो यहाँ पर आपको जितने वोल्ट यहाँ से आ रहे हैं उससे थोड़े से कम यहाँ से मिलना शुरू हो जाएंगे, और जो ही यहाँ पर 10 वोल्ट आएंगे तो आपको तकरीबन 10 वोल्ट यहाँ पर आउटपुट पे मिलना शुरू हो जाएंगे। और जो ही यहाँ से वोल्टेज बढ़ाएंगे, फ़र्ज़ करें 11 वोल्ट कर दिए हैं, तो 11 वोल्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको 10 वोल्ट ही मिलेंगे, 1 वोल्ट का जो करंट है एक्स्ट्रा वो इसके अंदर से गुजरना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो करंट यहाँ से इस रजिस्टर के थ्रू गुजरना शुरू हो जाएगा, तो 10 वोल्ट आपको यहाँ मिलेंगे और 1 वोल्ट आपका ये रजिस्टर जो है ये ड्रॉप कर लेगा। इस रजिस्टर का हमने नाम दिया है RCL, और इसका मतलब ये है कि ये करंट लिमिटिंग रजिस्टर है, यानी कि करंट को लिमिट करता है। तो चूँ करंट इस ज़ीनर डायोड के जो वैल्यू है इससे जब करंट बढ़ेगा तो ये जो रजिस्टर है इसके अंदर से करंट गुजरेगा, करंट बढ़ेगा और वो करंट जो है वो मेंटेन करेगा इसके अंदर से, इसको जलने से ये महफूज रखेगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वोल्टेज हैं, जिस तरह की 10 वोल्ट की है, 10 वोल्ट से ऊपर जितने भी आएंगे वो ये रजिस्टर इसको ड्रॉप करेगा, और ड्रॉप कैसे करेगा कि इसके करंट गुजरेगा उसके अंदर से, डायोड में से करंट गुजरेगा, जो जो करंट बढ़ता जाएगा तो इसके अंदर वोल्टेज अक्रॉस जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको वोल्टेज 10 पूरे मिलते रहेंगे, करंट जो बढ़ेगा वो इसके थ्रू ग्राउंड होता जाएगा। तो ये जो करंट है इसको इस डायोड के जो ज़ीनर डायोड जो करंट है उसको ये रजिस्टर जो है वो इसको बर्दाश्त करेगा, इसको होल्ड करेगा और एक्स्ट्रा वोल्ट को ये ड्रॉप करेगा। तो इस तरीके से ये जो डायोड है ये एक्स्ट्रा वोल्ट को जो है वो मेंटेन करता है। लेकिन यहाँ से 12 वोल्ट से अगर आप 15 वोल्ट 20 वोल्ट 25 वोल्ट तक ले जाते हैं तो उस वक्त तक यहाँ पर ये करंट बढ़ता जाएगा, वोल्टेज मेंटेन रहेंगे, और जब इसकी डायोड की जो वो है पावर के ये आधे वाट की है, 1 वाट की है, तो वो डिपेंड करता है आप उसको 10 वोल्ट से मल्टीप्लाई करें उस करंट को, तो जो उसकी पावर आती है उस पावर तक ये डायोड काम करेगा, अगर आपने उससे ज़्यादा वोल्टेज दिए तो करंट बढ़ेगा और ये डायोड जल जाएगा। या एक प्रैक्टिकली ये होता है कि ये वाला जो रेजिस्टर है अगर ये डी वैल्यू हो जाए, जब डी वैल्यू होगा तो ये करंट को रोकने की, उसको रेजिस्ट करने की इसकी पावर कम हो जाएगी, और पावर कम होने की वजह से ये करंट ज़्यादा देगा इसको डायोड को और ज़ीनर डायोड को, और करंट ज़्यादा देने से ये डायोड भी जल जाता है। और कभी ऐसा ना कीजिए कि आप यहाँ से वोल्टेज डायरेक्ट इसको डायोड को दें, तो डायरेक्ट जब कभी भी देंगे तो ये डायोड हाई करंट शॉर्ट सर्किट होके ब्रेक डाउन होके ये जल जाएगी। तो हमेशा आपने ये रेजिस्टर यहाँ लगाना है। तो रेजिस्टर को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो ये है, यानी कि करंट लिमिटिंग रेजिस्टर बराबर है वी इन, ये वी इन ये वाला है जैसे कि हमारे यहाँ पर 12 वोल्ट है, माइनस वी जेड, माइनस वी जेड का मतलब कि ये ज़ीनर डायोड कितने वोल्ट की है जिसमें 10 वोल्ट की है। उसके बाद आई एल, ये है हमने यहाँ पर इस पर टर्मिनल ओपन रखा हुआ है,
तो यहाँ पर डेफिनेटली आगे वो सर्किट होगा, लोड सर्किट होगा जिसको ये 10 वोल्ट चाहिए, रेगुलेटेड वोल्टेज चाहिए, तो उस सर्किट का भी अपना एक करंट होगा जो कि यहाँ से आएगा और इधर ये करंट गुजर जाएगा उस लोड के अंदर से होके, फिर यहाँ 0 वोल्ट से रिटर्न होके वापस आएगा, तो वो वाला IL है। इस सूरत में जब टर्मिनल ओपन रखे हुए तो IL हमारा 0 है और हमने एज्यूम किया है कि इस डायोड को हम मैक्सिमम या सेफ रेंज में 5 mA करंट इसमें से गुजार सकते हैं, लेकिन आपने इस डायोड की डाटा शीट देख के और आपने वो मैक्सिमम करंट देखना है कितना गुजार सकते हैं। तो ये इसका फार्मूला है और इस फार्मूले के लिहाज से हम इसकी अगर रजिस्टर हम चेक करें कि हम इसको 12 वोल्ट देकर और 5 mA करंट इसमें से अगर गुजारें तो ये रजिस्टर कितनी वैल्यू का होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे कि ये वैल्यूज़ इस फार्मूले में हम पुट कर देते हैं। जिस तरह के RCL Vin हमारे 12 वोल्ट हैं, ZN डायोड हमारी 10 वोल्ट की है, तो यहाँ पर हमारे 2 वोल्ट रह जाएंगे, 12 - 10 = 2, ये ऑब्लीग है, ऑब्लीग का मतलब है डिवाइड बाई। IL हमारा 0 है क्योंकि आगे हमारा सर्किट नहीं लगा हुआ और ये हमारा 5 mA है, तो 12 - 10 = 2 वोल्ट, 2 वोल्ट को डिवाइड करेंगे 5 mA से और यहाँ पर हमारा जवाब आ जाएगा 400, और 400 क्या है, RCL की वैल्यू है, यानी कि रजिस्टर की वैल्यू जो कि ओम में होगी, तो ये रजिस्टर आपका इस सूरत में 400 ओम का लगेगा। ठीक है व्यूअर्स, अगर आपका डायोड जो है वो 10 वोल्ट का है, आप उसमें से सेफली 5 mA करंट रिवर्स करंट गुजार सकते हैं, 12 वोल्ट उसके इनपुट वोल्टेज हैं, तो आपको ये 400 ओम का रजिस्टर आपने लगाना है। तो इसी तरीके से इसी फार्मूले के ज़रिए आप इस रजिस्टर की वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो बाकी ये हमने आपको बताया रजिस्टर, ये Vin इनपुट वोल्टेज, RCL रजिस्टर करंट लिमिटिंग, VZ से ज़ीनर डायोड वोल्टेज, और IZ का मतलब ज़ीनर डायोड करंट, ZD1 हम बता चुके हैं ज़ीनर डायोड नंबर 1। तो होप कि आपको एक बेसिक ज़ीनर रेगुलेटर का डायग्राम का पता चल गया होगा कि किस तरीके से ज़ीनर डायोड रिवर्स बायस में काम करती है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपने देखा कि किस तरीके से ज़ीनर डायोड काम करती है। तो अगर आपको ज़ीनर डायोड के बारे में कुछ पता चल गया हो, समझ में आ गई हो, तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे आपकी दुआओं की दरख्वास्त है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।